बताओ सेंटीमीटर्स को मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? अरे सर इतना इजी सवाल, सेंटीमीटर्स में से सेंटी निकाल दो। देखो आंसर तो बिल्कुल गलत है, पर ये जो क्रिएटिविटी तुमने दिखाई है आंसर लाने में, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और आउट ऑफ द बॉक्स सोच के इतना अच्छा आंसर दिया, इसलिए मैं तुम्हें पास करता हूँ। और ऐसे अनोखे बच्चों के लिए तालियां हो जाएगा इस, और एक लाइक भी हो जाएगा इस, कर दो ना लाइक, बंटी के लिए कर दो। गाइस आज हम लोग कुछ ऐसे ही बच्चों को देखने वाले हैं जो शायद बहुत ज्यादा बुद्धू होंगे नोबिता की तरह, या तो थोड़े बहुत स्मार्ट होंगे और हर क्वेश्चन का सही सही जवाब देंगे, या तो फिर इतने ज्यादा स्मार्ट होंगे, इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे कि हर सवाल का बंटी की तरह आउट ऑफ द बॉक्स आंसर देंगे। ओके, तो ग्लोब में से मैं रैंडमली कोई भी जगह बोलूंगा और बच्चों को बताने की वो कौन सी जगह है। तो ये तो शायद से ऑस्ट्रेलिया लग रहा है मेरे को, लेकिन जो लड़की है वो बोल रही है कि लैंड ऑफ ओजेड। देखो ये ऑस्ट्रेलिया है या नहीं ये मेरे को नहीं पता, लेकिन ये लैंड ऑफ ओजेड तो पक्का नहीं है। इसका मतलब समझे था यार? इसका ये मतलब है ये बच्चा बुक्स पढ़ता है, और जो भी बच्चे ऐसी अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं जैसे कि हैरी पॉटर, लैंड ऑफ ओजेड, वो लोग गारंटी होशियार ही होते हैं, पैदाइशी होशियार होते हैं। तो इसी बात में मैं इसको पास कर रहा हूँ। आई होप प्रिंसिपल मेरे को जॉब से ना निकाल दे, जरा तो गेम बचाना पड़ेगा। ओके, तो ये बच्चा बोल रहा है ये कुवैत है, लेकिन एक्चुअली मुझे भी नहीं पता ये क्या है, इसी बात में मैं इसको पास कर देता हूँ। भाई ये लोग बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं टीचर का, तो अब आखिरी बच्चा बच्चा है, और ये बोल रहा है कि ये मैक्सिको है। अरे यार ये सही बता रहे हैं गलत ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन शक्ल से बच्चा स्मार्ट लग रहा है, तो मैं इसको पास कर देता हूँ। फाइनली हमारा पहला दिन एंड होता है और हमें हमारी स्कूल फीस मिल चुकी है जो कि है 100 रुपए। ज्यादा कम नहीं है कुछ? तो गाइस अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक स्कूल टीचर की लाइफ कितनी हार्ड होती है। दिन भर बच्चों को पढ़ाते उनका टैलेंट पहचानते हैं, ढेर सारा होमवर्क भी देते हैं, और फिर लास्ट में इतना चुल्लू भर सैलरी मिलता है। तो गाइस इसी बात पे 1 लाइक तो बनता है टीचर्स के लिए, 1 लाइक कर दो, 1 लाइक इज इक्वल टू 1 सैलरी। तो ड्रॉ अ फ्लावर बोला गया था, पर इस बच्चे ने बराबर से फ्लावर बनाया है यार, इसको फेल करने का मन कर रहा है। पर फेल करने का कोई रीजन नहीं है तो पास करना पड़ेगा। ओके, तो दूसरे बच्चे का होमवर्क है कि ड्रॉ अ क्लाउड, बादल बनाना है, लेकिन इन भाई साहब ने लिखा है कि मेरे कुत्ते ने मेरा होमवर्क खा लिया। देखो कुछ भी बोलो, बच्चे ने बिल्कुल सच बोला, तो इसी बात पे इसको पास करते हैं। ओके, इस बच्चे को बोला गया था कि एक लाइन से दोनों डॉट्स को कनेक्ट करना है, लेकिन इसने स्माइली फेस बना दिया। भाई इतना बुद्धू भी हो सकता है कोई? शक्ल से तो नोबिता ही लग रहा है, गजब बेइज्जती, इसलिए इसको फील तो करना ही पड़ेगा। सॉरी। ओके, तो फाइनली हमारा दिन एंड हुआ और इस बार हमें 110 रुपए सैलरी मिला। देखा गया सैलरी बढ़ रहा है, करो आप लाइक करो और बढ़ेगा सैलरी, करो लाइक करो सब्सक्राइब भी करो। फिल इन द ब्लैंक सही है, इस बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब भी दिया, मतलब फेल करने का तो इतना मन कर रहा है लेकिन कोई रीजन नहीं, वरना अब भी कर देता। ओके, फाइंड अ वर्ड करना था, लेकिन इसने कैट ढूंढ लिया। क्यों भाई कैट क्यों मार्क किया? बाजू में वो डिग लिखा है वो नहीं दिख रहा? मुझे तो पहले डिग दिखा, तुझे कैट कैसे दिख गया? मैं फेल कर रहा हूँ। अबे वो दो कौड़ी के टीचर, बिल्कुल सही आंसर है तो भी गलत क्यों मार्क कर रहे हो? देख बेटा मेरी मर्जी, जिसको चाहे पास करो जिसको चाहे फेल, लेकिन अगर मेरे से पंगा लिया तो हर टेस्ट में फेल। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं बोल क्या करना चाहता है, कर दूं पास? मैं फेल हो गया। तो यहाँ पे फिर से एक फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है, जो कि पता नहीं इस बच्चे ने क्या सोच के क्या बनाया है, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, मेरा भी ग्रामर फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था। कुछ भी, इसी बात पे मैं इसको पास कर देता हूँ। मुंबई आएगा तो बेटा मुंबई आएगा, आर्टिस्ट बनेगा। तो अगला क्वेश्चन है कि ये जो मून है, चांद है, वो किसको ऑर्बिट करता है, मतलब किसके अराउंड घूमता है? मतलब आपको बताया तो बेसिकली आंसर तो इसने बिल्कुल सही बताया कि अर्थ के अराउंड घूमता है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस क्यों किया? इंडिया में तो टिक मार्क करते ही क्रॉस क्या होता है? देखो मैंने तो बचपन में टिक मार्क किया, इसी बात पे मैं तुम्हें फेल कर रहा हूँ। अबे ओ सर, जेल जाने का शौक है क्या? ये क्या मेरा सही आंसर था, उसको गलत बता रहे हो। हो गया, हो गया, देख के। ये सर बहुत बुरा है। नेम ईच पार्ट ऑफ द ट्री, तो इसका जवाब भी बच्चे ने बिल्कुल सही दिया है, लेकिन इसकी शक्ल देख के मुझे इसको वापस फील करने का मन कर रहा है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो, लेकिन कोई रीजन ही नहीं है, इतना सीधा साधा बच्चा कैसे हो सकता है कोई? तो इसको पास कर देते हैं। और अगले बच्चे का सवाल है कि जो पहले सेल्स थे, मतलब हमारी बॉडी में जो पहले सेल्स थे
वो क्या थे? तो ये बेसिकली कुछ बायोलॉजी का क्वेश्चन दिख रहा है साइंस का, लेकिन इसका आंसर जो भी हो इसका आंसर लोनली तो पक्का नहीं है। लेकिन क्या गाइस आपको पता है इस बच्चे ने आंसर में लोनली क्यों लिखा? नहीं। ये बच्चा इतना दुखी है, इतना अकेला, इतना लोनली है, इसकी शक्ल देखो ऐसा लगता है अभी रो देगा। और इसी बात पे इसके दुख की वजह से इसको पास करना पड़ेगा और नहीं रो देगा गाइस, इसको मैं पास कर रहा हूँ। यहाँ पे एक अंडा दिया हुआ है, उस अंडे के ऊपर आर्ट बनाना है, जो आर्ट बना सकते हो वो बनाना है, लेकिन एक शर्त है कि ये अंडा कभी टूटना नहीं चाहिए। तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है इस बंदे ने बहुत अच्छा आर्ट बनाया है इस अंडे पे, और अंडा बिल्कुल सही है, कहीं से टूटा फूटा भी नहीं है, तो इसी बात पे इसको पास कर देता हूँ मैं। ये कौन सा आर्ट है भाई, पूरा अंडे का हाफ फ्राई बना दिया, शक्ल से भी नोबिता की बहन ही लग रही है, इसको तो फेल करना पड़ेगा गाइस, ये कुछ ज्यादा ही बुद्धू है भाई साहब। इतना अच्छा आर्ट बनाया इसने भी, लेकिन क्या फायदा, अंडा तो पूरा टूट गया। अरे भाई अंडा ही तो नहीं तोड़ना था, लेकिन यार इतना अच्छा आर्ट बनाया, मैं इतने अच्छे आर्टिस्ट को फेल नहीं होने दे सकता, मैंने इसको पास किया। तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। तो आंसर सही है या गलत ये इस क्लास में मैटर नहीं करता, अगर इस क्लास में पास होना है तो फैब जैम को लाइक सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। अच्छा बोले ऐसा होता, बता भाई किया तूने लाइक? किया इस वीडियो को कब से देख रहा, लाइक नहीं किया अभी तक? नहीं नहीं किया तो मैं फेल कर रहा हूँ। अबे ओ सर, अबे ओ नोबिता, चले जाओ वरना फैब फैमिली आके बहुत मारेगी। ओके सर, अभी लाइक करके आता हूँ। तो एक ट्रांसपोर्टेशन बनाना है जो कि पानी से चलता हो, तो बोट तो बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन 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 तूने अभी तक फैब जैम को सब्सक्राइब किया या नहीं ये बता। नहीं नहीं किया ना, तो मैं फेल कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आंसर राइट है रॉन्ग है, मैं फेल कर रहा हूँ। अरे सर, अरे यार मार खानी है। तो यहाँ पे तीसरा और आखिरी सवाल ये है कि जो हमारी दुनिया है अर्थ वो फ्लैट है, तो ये तो 100% रॉन्ग है, लेकिन एक बात बता तूने फैब जैम को लाइक सब्सक्राइब किया या नहीं? जी सर, जी जी कर दिया कर दिया कर दिया, तब तो बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें गलत ही क्या है, मुझे तो नहीं दिख रहा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जा बेटा जा, तू पास है, तू बिल्कुल पास है। तो अब हमारी अगली क्लास है। ओ एक सेकंड, किसी का तो फोन आ रहा है। हेलो हेलो फैब जैम। अरे प्रिंसिपल सर आप? हाँ जरा मेरे ऑफिस में तो आना। जी सर एक सेकंड, अभी आया अभी आया। A few moments later. अरे सर हुआ क्या सर? अरे सर मारो मत। अरे हुआ क्या सर? हुआ क्या? अरे सर बस, अरे